अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं आरिफ अली और आज मैं मौजूद हूं पाकिस्तान के दिल कराची के अंदर। और हम आज आपको कराची की सैर करा रहे हैं। इंशाल्लाह आपको पूरा कराची घुमाने की कोशिश करूंगा और जो जो जगहें हैं उनके बारे में थोड़ी सी मालूमात भी देने की कोशिश करूंगा। तो इस वक्त मैं डिफेंस पे 7 के अंदर इस टाइम मौजूद हूँ और मेरी मंजिल जो है वो सी व्यू है, मतलब साहिल समंदर। होटल पे जो सिग्नल है यहाँ पे मौजूद है हम सी वी यू के ऊपर, और यहाँ पे हमारे जो ट्रैफिक पुलिस के अफसरान हैं वो यहाँ मौजूद हैं। वो मैं देखता हूँ अक्सर ये यहीं पे खड़े होते हैं और ट्रैफिक की जो सिस्टम है उसको बहाल रखते हैं, इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। तो पूछते हैं इनसे सी वी यू के ऊपर अक्सर रश कब देखने में आता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह ठीक ठाक है। अच्छा, मुझे बताएंगे कि सी वी यू के ऊपर जो है ना रश ट्रैफिक का कब किस टाइम ज़्यादा होता है और किस तरह कंट्रोल कर रहे होते हैं? देखिए, यहाँ जो रश के टाइम है ना वो है तकरीबन कोई जो वीकेंड होता है एक उस दिन और एक जिस दिन ऑफ होता है। अच्छा। सपोज़ के सैटरडे वाले दिन और अपना संडे को, तो उसमें शाम में ज़्यादा रश होता है और उसको हम पॉइंट्स टू पॉइंट अपनी तरफ से डिप्लॉय करते हैं। और यहाँ ज़्यादातर क्योंकि अंडर एज जनरल ड्राइविंग बच्चे आते हैं जो कि रफ राइडिंग करते हैं, उनको भी हम कंट्रोल करते हैं। और फिर कुछ गाड़ियाँ भी, गाड़ी वाले भी लोग हैं जो रेसे लगाते हैं, तेज़ चलाते हैं, उनको भी हम कंट्रोल करते हैं। तो इसी तरीके से हम इसको मैनेज करते हैं बेहतर से बेहतर अंदाज में। अच्छा, हमने देखा है अक्सर ये जो रोड है, ये सामने जो रोड है, मैं दिखाऊँ ना आपको, ये जो सामने सीधा रोड है इस रोड के ऊपर अक्सर जो ना रेसे लग रही होती हैं, लड़के बाइकों के ऊपर और गाड़ियों के ऊपर रेसे लगा रहे होते हैं। तो अक्सर देखने में आता है कि एक्सीडेंट भी होते हैं लड़कों के, उससे लोग जान से भी जाते हैं, जख्मी भी होते हैं, उसको किस तरह कंट्रोल करते हैं? बिल्कुल, उसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी हमारे साथ होती है और हमारी भी पूरी टीम होती है, लेकिन अभी इसमें काफ़ी कमी वाकई हो गई है क्योंकि बड़े सख्त एक्शंस लिए हैं इसके ऊपर हमने, तो काफ़ी कमी। अभी आप लास्ट काफ़ी दिनों से आप देख रहे होंगे कि ये ऐसी ना कोई रेस यहाँ हो रही है और ना ऐसी कोई चीज़ यहाँ हो रही है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। ये हमारे जो शहर के रखवाले जो ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे होते हैं। कराची बहुत बड़ा शहर है, जाहिर है उसमें ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है, जहाँ इतनी आवाम है वहाँ ट्रैफिक भी होती है। ये यहाँ पे आने के लिए आपको कितने की पर्ची है? 20 रुपए की पर्ची आपको लेनी पड़ती है। ये ध्यान में रखिएगा कि ये पार्किंग फ़ी होती है जो सर्विस रोड पे जब आप जाते हैं पार्क करते हैं गाड़ी, उसके लिए 20 रुपए आपको देने पड़ते हैं। मैंने कराची घूमने के लिए बाइक का इंतखाब किया क्योंकि कराची में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, तो मैंने कहा बाइक पर चलते हैं क्योंकि ट्रैफिक में फंसना नहीं है मैं गाड़ी में जाके। तो मैंने कहा बाइक के ऊपर ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं कराची और ज़्यादा मैक्सिमम दिखा सकूँगा आप लोगों को। इस वक्त सी वी यू पे हम आ गए हैं और लोग मौजूद हैं, ये देखें आप, यहाँ पे आपको लोग नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ये ऑफिस से, यूनिवर्सिटी कॉलेज से लोग टाइम पास करने भी आते हैं इधर। और अभी मैं आपको समंदर के पास भी लेके जाऊंगा। अभी हम कहीं अच्छी जगह गाड़ी रोकते हैं और बाइक रोकते हैं और चलते हैं थोड़ा सा आगे, जब तक आप इंजॉय करें। तो इस वक्त हम सी वी यू पे मौजूद हैं और साहिल समंदर पर आ गए हैं, आपको भी लेके चलते हैं। काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं, आज रश का टाइम भी है क्योंकि आज वीकेंड भी है कराची में, लोग सैटरडे को वीकेंड मनाते हैं, फैसलाबाद में जो है वो थर्सडे को मनाते हैं। तो आइए चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि आज जो रश है वो सी वी यू पे किस वजह से है। मैं देख रहा हूँ कि पानी जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे उतरा हुआ है पानी, वैसे गर्मियों में जो ना काफ़ी आगे तक होता है, लेकिन वजह समझ नहीं आ रही। वैसे अक्सर नवंबर दिसंबर में जो पानी काफ़ी चढ़ा होता है, लेकिन इस दफ़ा काफ़ी दूर है पानी। Thank you.
मैं एक अपील करना चाहता हूँ अपने जो दोस्त हैं हमारे जो लोग सीवीओ पे आते हैं वो हमारी सीवीओ जो साहिल समंदर है जो सीवीओ है उसको मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से गंदा किया हुआ है सारा कचरा जो है ये देखें ये सारा कचरा सीवीओ के ऊपर फेंका है लोगों ने ये तो हमें चाहिए कि हमें ख़ुद साफ़ रखना चाहिए जब दूसरे लोग बाहर से आते हैं तो वो क्या इंप्रेशन लेके जाते हैं यहाँ से तो ये हमें खुद सोचना चाहिए कि हम अपने घर को किस तरह लोगों के सामने दिखा रहे हैं कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं जो सीवीओ पर सैर करने आए हुए हैं उनसे पूछते हैं कि वो कब से सीवीओ आ रहे हैं अस्सलाम वालेकुम हाँ कैसे हैं आप ठीक ठाक हैं कहाँ से हैं आप हम ख्वाजा अजमेर से हैं ख्वाजा अजमेर न्यू कराची से कराची के रहायशी हैं अच्छा अभी बताएं कि सीवीओ आप कब कब आते हैं किन दिनों में आते हैं अच्छा सैटरडे आज वीकेंड की वजह से आप लोग सीवीओ आए हैं तो यहाँ पे आगे कैसा महसूस होता है समंदर के ऊपर जो ताज़ी ताज़ी हवा आती है समंदर का शोर होता है मौसम बाहर है बिल्कुल सही है आपके दिल खुश हो जाता है ठीक है राजीन देख रहे हैं आप लोग के लोग साहिल समंदर पे अपना वीकेंड गुजारने आते हैं और ये लोग भी कराची के ही एक दूर दराज एक हिस्से से आए हैं और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे ये लोग जो है ऊँट पे घोड़ों की सवारी ऊँट की सवारी खाने पीने की चीज़ें पापड़ वाले और छली वाले अगर सीवीओ आए और आपने भुट्टा या छली ना खाया तो कुछ भी नहीं खाया आइए गरम गरम छली लेते हैं और खाते हैं और देखते हैं कैसा टेस्ट है गरम डाला एक देना 10 रुपये इन्होंने जो है ना एक्स्ट्रा काट लिए हैं 30 बता के 40 रुपये का भुट्टा दिया है कोई बात नहीं बड़ी ज़ोर की भूख लगी थी बहुत ज़बरदस्त अरे वो फीका है बिल्कुल अभी आगे मेरे साथ चलें एक शख्स ने इस मिट्टी के साथ कायदे आज़म का मज़ाक भी बनाया वो भी आपको दिखाते हैं अब हम चलते चलते सीवी के ऊपर उस जगह पहुंच गए हैं जहां पे एक शख्स ने बहुत ही खूबसूरत जो है मुझे नज़र आ रहा है यहां से कायदे आज़म का मज़ार वो बनाया है और उसके साथ एक खूबसूरत सी जलपरी भी लटी हुई है ये देखें ये है वो कायदे आज़म का मज़ार आपसे तारुफ कराता चलूँ मेरे साथ हैं दानिश भाई कराची से जो कि मेरे सफ़र में साथ हैं कैसे हैं दानिश साहब जी अल्लाह का शुक्र है आपकी दुआएं ठीक है अच्छा मुझे बताएं कि सीवीओ पे इतना ही रश होता है देखने में जो इस तरह आज मैं देख रहा हूँ बिल्कुल इतना ही रश क्योंकि मैं तो काफ़ी टाइम बाद आया हूँ जी बिल्कुल इतना ही रश होता है बल्कि इससे ज़्यादा रश होता है लेकिन अभी वो कुछ आपको पता चला होगा कि यहाँ पे सैलाब वगैरह का कुछ ऐसा सीन हुआ था तो इस वजह से लोगों की तादाद यहाँ पे कम हो गई है लेकिन अगर आप आम दिनों में आए या वीकेंड में आए तो यहाँ पे उससे कई ज़्यादा रश होता है अच्छा जैसे आज सैटरडे का दिन है और मैं देख रहा हूँ नाजरीन मैं आपको दिखाऊँ ये देखें ये दो दो बसों के अंदर ये एक ही फैमिली के लोग ये दो दो बसें करके आए आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं लोगों के क्रेज़ के सीवीओ पे लोग कितनी तादाद में आते हैं अपने वीकेंड को एंजॉय करने के लिए चाइनीज़ एम्बेसी है और इसके साथ ही जो है वो अब्दुल्ला शाह अच्छा भाई अच्छा ना देखा आपने
मुझे तनबीह करते रहेंगे कि मोबाइल लूटा जाएगा, मोबाइल अंदर कर लें। मैं बड़े रिस्क लेकर जो है ये वीडियोज़ आपके लिए बना रहा हूँ। आपको तीन तलवार भी दिखाते हैं, कराची की मशहूर तीन तलवार। अब इसे तीन तलवार और दो तलवार क्यों कहते हैं ये तो मुझे नहीं पता, ये हम सिकंदर जुल्कनैन साहब से पता करेंगे कि इनका नाम तीन तलवार और दो तलवार क्यों रखा गया और ये क्यों लगाई गई हैं तलवारें, इन तलवारों का क्या ताल्लुक़ है, क्या कोई जंगें हुई थी यहाँ पे। We'll be right back.